कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। क्या क्या किया इसने, इसने मेरे बच्चे को? अरे हिम्मत कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुमने मेरे बच्चे को दूध पिलाया? अनिता, अनुज, मैंने कहा था ना कि अपने मां ना बनने की कमी मेरे बच्चे से वसूलेगी। तुम मेरा बच्चा चोरी करना चाहती हो ना? यू ब्लडी चाइल्ड स्टीलर। अनीता, ये क्या बोले जा रही हो? अब मुझे समझ में आया कि अपने ससुराल क्यों नहीं जाना चाहती, क्योंकि तुम्हारी आंख मेरे बच्चे पर है। जब तक ये यहाँ है मेरा बच्चा सेफ नहीं है। अनुज, इसे बोलो ये अपना सामान पैक करो, निकले यहाँ से। बस बहुत हो गया, आपने तो हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझ लिया। हर चीज की एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है, और अगर आप हर बार इस तरह अपनी हद पार करेंगी तो हमसे उम्मीद मत रखिएगा कि हम वहां खड़े होकर के सुनते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जिस औरत से आप बात कर रही हैं इस तरीके से, वो हमारी पत्नी है, तमीज से बात कीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से आप अपनी मर्यादाएं और सीमाएं भूल गई हैं, उस तरह हमें अपनी सीमाएं याद रखने में मुश्किल होने लगे। ये बच्चा जो है, हम नीतू जी ने जो कुछ भी किया इस बच्चे की भलाई के लिए किया। उस दिन जब आप फोन पे बिजी थी तो बच्चा बिस्तर से जमीन पे गिरने वाला था, कुछ भी हो सकता था, उसके पांव टूट सकते थे, उसकी कमर पे चोट आ सकती थी, उसके दिमाग पे चोट आ सकती थी, कुछ भी हो सकता था। और फिर आज जब आप अपने नवजात बच्चे को छोड़ करके बाहर घूमने के लिए चली गई तो वो बच्चा भूख से रो रहा था, बिलख रहा था, चिल्ला रहा था, हम सब देख करके घबरा गए। नीतू जी ने उसे चुप कराया। अरे आपको तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, और आप है कि उनके साथ बदतमीजी में बदतमीजी की जा रही। अब आप हमारी दो बातें ध्यान से सुन लीजिए। एक कि ये घर जो है ये नीतू जी का भी है, इसलिए आज के बाद आप इन्हें यहां से जाने के लिए मत बोलिएगा, ये कहीं नहीं जाएंगे। और दूसरी बात, अगर आज के बाद आपने हमारी पत्नी से जरा सी भी बदतमीजी की तो हम ने जो भी कहा है सही कहा है। नीतू सिर्फ हमारे बच्चे का ख्याल रख रही है, वो सिर्फ हमारे बच्चे की भलाई चाहती है। मैं ही विलन हूं ना, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मुझे ही बोलोगे ना? अनिता, अनिता मेरी बात सुन, अनिता, अनिता मेरी बात सुन, अनिता, अनिता, अनिता ये क्या बचपन है? दरवाजा खोलो अनिता, अनीता, अनीता मेरी बात सुनो अनीता। अनुज प्लीज, मुझे और बेबी को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। लेकिन सिमी देख, आज जो भी कुछ हुआ है उसके बाद हम बाबा जी की बात को नकार नहीं सकते। तो देख ना, एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं अभी के साथ, और तेरे बाबा जी कह रहे थे कि इस तरह के केस अगर बिगड़ जाए तो इंसान को उम्र कहते हैं फांसी भी हो सकती है, और अगर हम केस जीत भी गए तो वो मजदूर उसे नहीं छोड़ेंगे ना। माता रानी, बाबी की रक्षा करो, उसे शक्ति दो माँ, उसे माँ, माँ अगर अभी को कुछ भी हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी।
उसने इतना सब कुछ किया हमारे लिए, मेरे लिए कितने सब कुछ किया। अगर माँ से कुछ हो गया तो मैं देख, ये तेरी परीक्षा है सिमी, तू देखना शायद इसमें से कुछ अच्छा निकला है। तो एक बार उससे बात तो कर। नहीं माँ, मैं अभी से नहीं बात कर सकती माँ, मामा मुझ में नहीं मन नहीं, माँ मैं नहीं बात कर सकती। तेरे पापा जी कहते हैं ना हिम्मत करने के लिए भी हिम्मत करनी पड़ती है। तूने तो हमेशा हिम्मत की है ना बेटा, तू उसे एक बार बात कर, उससे मना ले कि वो रज्जो से शादी कर ले, उसकी कुटली काष्ठा भरदोषी अभी की जान बचा सकता है बेटा। देख देख इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तू उससे बात कर। वो किसी से शादी नहीं करेगा माँ, मैं जानती हूँ उसे। हमें उसे हाँ बुलवाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा बेटा। ये अच्छा है अगर हम अपने बच्चे को, अपने खुद के बच्चे को अपने सीने से लगाएं, उसे प्यार करें तो हम पे बच्चा चुराने का इल्जाम लगा दिया गया। अगर हम अपने रोते बिलखते बच्चे का ख्याल रखें तो हमें सबके सामने बेइज्जत कर दिया गया। बहुत 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 भारी भारी गलती हुई है आपसे, जो आपने अपना बच्चा उस औरत के हाथ में दे दिया। वो हमारा बच्चा है और हमारे पास रहना चाहिए। आप भी तो वही थे, मुझे रोक नहीं सकते थे। कैसे रोकते? आपने पूछा हमसे, जब हम वहां पहुंचे तो आपने तो अपना बच्चा उठा करके समिति के हाथ में दे दिया इनको देने के लिए। अगर हम सच कहें तो हमें ऐसा लगता है तुझे कि हम चाहे अपने बच्चे से कितना भी प्यार कर लें, आपकी नजर में ये बच्चा कभी हमारा नहीं होगा, क्योंकि आपका और विक्की का बच्चा। ओमी जी, मेरा सब कुछ सिर्फ आपका है ओमी जी। और अगर आपने अगली बार मुझे अपने आप से अलग समझा ना तो देखना, अगर ऐसा है तो अभी इसी वक्त सबके सामने चलिए और कहिए कि वो बच्चा आपका है और हमें वापस चाहिए। चलिए उम्मी जी। अनीता भाभी भी हमारे बच्चे से उतना ही प्यार करती है ना हम करते हैं। और आज जब वो बच्चे के लिए परेशान हो रही थी तो वो भी तो उनका प्यार ही था ना। वैसे भी भाई पापा जी हम ये नहीं कर सकते। उम्मी जी मुझे वादा करिए कि आप ये सच्चाई किसी को नहीं बताएंगे। उम्मी जी वादा करते हैं। हम ये सच किसी से नहीं कहेंगे तुझे, लेकिन हम इतना जानते हैं कि आपका बच्चा बहुत जल्द आपकी गोद में होगा।
की आवाज को फिर से पैसों की चमक ने दबा दिया। फिर से मिटा दी गई गरीबों की हस्ती ताकि किसी अमीर का महल तैयार हो सके। लेकिन हम लोग ये सब कुछ कब तक चलने देंगे? हाँ, क्या अमीर का खून खून और गरीब का खून पानी? बोलिए, क्या आप सब लोग हैं मेरे साथ? हाँ, तुम्हारे साथ हैं। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें अपने मजदूर भाइयों के लिए इंसाफ चाहिए। तो बोलिए, क्या आप सब लोग हैं मेरे साथ? हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन हमें इंसाफ तब तक नहीं मिलेगा जब तक अभिनव सेठ की गर्दन फांसी के फंदे से नहीं झूलेगी। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रसाद, तुझे राजेंद्र सेठी के घर में जबरन घुसने और अभिनव तरनेजा को जान से मारने की धमकी देने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। भाइयों, हड़ताल जारी रखना, जीत हमारी ही होगी। बहुत हो गया भाषण तेरा, बाकी का भाषण जेल में जाके देना। जी, वहीं पर आए मैं। जी अगर तुम्हारे किसी स्टूडेंट ने तुम्हें ऐसे देख लिया ना रोते हुए, कॉलेज जाना भी मुश्किल हो जाएगा। रोतलू प्रोफेसर के नाम से जानी जाओगी तुम। आज जब प्रसाद ने चाकू निकाला था, तुम बिल्कुल नहीं डरी थी, मेरे और उसके बीच में आगे खड़ी हो गई थी। इतना प्यार करती हो मुझसे और यहाँ बैठी बैठी रो रही हो। अरे, जिसकी बीवी इतनी बहादुर हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? सिमी, मुझे अपनी जान से प्यारी तुम्हारी जान है। तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? देखो, तुम्हें मेरी कसम है, आज के बाद ऐसा बिल्कुल मत करना। अब रोती भी रहोगी और बोलोगी भी नहीं। यार, दोनों में से एक कर लो ना, आसान हो जाएगा। अरे आंटी जी, आइए। मैं जानता हूँ आंटी जी कि आने वाले कुछ दिन अपने साथ कई मुश्किलें ला सकते हैं, लेकिन मैं हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूँ। आप प्लीज सिमी को समझाइए ना, वो ऐसे हिम्मत ना हारा करे। एक मिनट।
जी इंस्पेक्टर साहब। क्या आप कैसे भी करके उसे पकड़िए? जी जी थैंक यू। क्या इंस्पेक्टर साहब का फोन था, पुलिस ने प्रसाद को अरेस्ट तो कर लिया था लेकिन वो भाग निकला। और हमें चौकन्ना रहने के लिए कहा है और उन्हें पूरा भरोसा है कि वो उसे पकड़ लेंगे। अभी सिमी तुमसे कुछ कहना चाहती है। कुछ दिन पहले मैं और सिमी मुरली वाले बाबा के पास गए थे। बहुत ही ज्ञानी बाबा है। उन्होंने तेरी कुंडली देखी और बताया कि उसमें दोष है। सिमी की मौत हो जाएगी अगले 30 दिन में। उन्होंने आए भी बताया है इससे बचने का। तुझे दूसरी शादी करनी होगी। किसी ऐसी लड़की से जिसकी कुंडली में अष्टम वर्ग दोष हो। ये सब क्या है आंटी जी? अष्टम वर्ग दोष और दूसरी शादी, इसमें ये सब सच है? आंटी जी आप ऐसे किसी अहरे गहरे बाबा की बातों में कैसे आ सकती हैं? मुझे मालूम था तू तो विश्वास नहीं करेगा, लेकिन अभी मेरा इन बाबा पे और इनकी बातों पे बहुत पक्का विश्वास। मैं इन सब में विश्वास नहीं करता। तुम्हें क्या लगता है सिमी, मेरी कुंडली में किसी दोष के होने से तुम्हारी जान खतरे में? सिमी आंटी जी का विश्वास अपनी जगह पे है, लेकिन तुम कब से इन बाबा और ज्योतिषियों में बिलीव करने लगी हो? तूने खुद अपनी आंख से देखा था ना, तूने खुद देखा था जब प्रसाद से तेरा झगड़ा हुआ था, सिमी की जान बार बार बच गई थी। अपनी आंखों देखी बात को नहीं छुटला सकता ना, तेरी कुंडली में दोष है अभी जो सिमी की जान पे बना है। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को बचा ले, मेरी सिमी को बचा ले अभी। अभी तू क्या चाहते हैं? सिमी मर जाए। मैं तुम्हारी हर खुशी का जरिया बनना चाहता था सिमी। जैसे तुम्हारी जान को खतरा हो, मैं कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता।
किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ सुमी? तुम्हारे बिना नहीं रह सकता सुमी, क्या तुम मेरे बिना रह सकती हो? कैसा इम्तिहान है सुमी, अगर किसी की जान जानी तो मेरी चली जाए। प्लीज सुमी बोल दो ये झूठ है, सच नहीं है। I'm